समझ खबर। खबर यूपी के बागपत जिले से है, जहां प्रेमिका की हत्या करने के बाद थाने में सरेंडर करने पहुंचा प्रेमी। प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसने पूछताछ के दौरान क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बता दें कि ये पूरी वारदात बागपत जिले के झंकार गली का है, जहां एक प्रेमी ने, सनकी प्रेमी ने अपनी मासूका की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हथियार लेकर वह थाने पहुंच गया, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। मुझे दो दिन पहले पता लगा, पैसा मैं लगा रहा हूँ सब चीज में, और मुझे कह रही। नाम क्या तुम्हारा? रिंकू नाम है मेरा। रिंकू, तुमने जो उस लड़की की गर्दन काटी है, क्या पूरा मामला रहा, ऐसा क्या दिक्कत आई थी? मामला कुछ नहीं था, 7-8 साल से सही चल रहा है। एक डेढ़ साल से उन्होंने मुझे पागल बना रखा था, मुझे पता नहीं था। मुझे 4 दिन पहले पता लगा, चार दिन पहले पता लगा ये कैसे कैसे क्या हुआ है। क्या पता चला? यानी कि दूसरे से बात करती है सब चीज, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, हर चीज वही मौज मन दे रखी, बात उससे चलती है। दूसरा दानिश है, लैब उसका, इसके घर पर आना जाना था उसका। फिर ऐसा क्या हुआ, तेने उसको मार ही दिया? ऐसे दिमाग घूम गया था। अच्छा, उसमें दानिश से भी तेरी बात हुई थी? दानिश से बात हुई, दानिश कह रहा कि भाई मैं क्या करूँ, मैं तो 1.5 साल से बात चल रही। अरे अगले ने उसने फोन मिलाया, वो एकदम बोली हाँ जी। तो यार मैं कहा हूँ, जब ये यहाँ है तो 4 दिन में हिला दिया तुमने एकदम सिस्टम सारा, ये 8 साल का सारा 4 दिन में कर दिया एक तरह। बस और जो तुम बता रहे हो कि उसके घर जाने वाली बात, वो पूरी बताओ, क्या मामला था? बात कुछ नहीं थी, ये झूठी अफवाह है कि मैं इसके रिश्ता, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। मैं उसके पापा के सामने बैठा था, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे 7-8 साल से हमारा रिलेशनशिप में, भाई सबको पता है, तुम्हारी लड़की को भी पता है, ठीक है ना। तो उससे शादी करने की तुम्हारी नहीं, बिल्कुल थी, मैंने कहा था, वो खुद कह रही थी मुझे कोर्ट मैरिज कर लो, पर यहाँ नहीं करेंगे बागपत में, क्योंकि यहाँ थोड़े वकील से जानना है पापा को, क्योंकि दिल्ली चलेंगे। मगर ठीक है, इसे बीच थोड़ा इसकी मम्मी को प्रॉब्लम सी होगी, जो कह लगी अभी मम्मी को थोड़ी दिक्कत है, घर में कोई है नहीं करने वाला, अभी रुक जाओ बस। तो तुझे कोई पछतावा नहीं जिस तरीके से ना मारी? मुझे कोई पछतावा।